गाइज अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करते हो, अगर आप लोगों की अगर रील्स वायरल नहीं हो रही है, तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग अपनी इंस्टाग्राम रील्स को चुटकियों में वायरल कर पाओगे। अगर आप लोगों को जानना है तो अभी से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, तो अगर आप लोग अपनी इंस्टाग्राम रील्स को वायरल कराना चाहते हो तो टिप नंबर वन, आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना होगा। यार मैं आपको ये बात बताऊँ, तब भी मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को देखता हूँ या मैं कुछ आपको बताऊँ रील्स देखता हूँ, रील्स में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अलग अलग यूनिक कंटेंट डालते हैं और कुछ वैसे ही क्रिएटर उन चीज को सेम कॉपी कर लेते हैं और इसी के चलते वो बोलते हैं फिर बाद में व्यूज नहीं आ रहे। उनके व्यू आते हैं कितने आपको पता है, 200-300 व्यूज तो छोड़ ही दो आप। कैसा लगा मेरा मजाक? उनके व्यू आते हैं 12-13 बस इतने व्यू आते हैं उनके। तो इसी के चलते आप लोग थोड़ा यूनिक कंटेंट बनाओ। और आप लोग एक बात ध्यान से सुनो कि आप लोगों ने यहाँ पर आपको लग रहा होगा कंटेंट तो हर कोई बोलता है, लेकिन इसके आगे जो टिप्स दूंगा ना वो कंटेंट को रिलेटेड ही होने वाली है। और कंटेंट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप लोग अपनी रील्स को बहुत तेजी से वायरल करोगे। तो इसके चलते वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। समझ रहे हो? आप लोगों ने समझ लिया कंटेंट के बारे में कि कंटेंट अच्छा बनाना है। अब कंटेंट बनाते वक्त आपको पता होगा हम लोग हैशटैग यूज करा करते हैं और हैशटैग में सब लोग अपना अपना अलग सा एक हैशटैग बना लेते हैं। तो आप लोग कोई अलग सा मतलब बोल सकते हैं एक यूनिक हैशटैग बनाओ, कोई कॉमन हैशटैग मत बनाओ। जैसे कि 3 जनों ने एक ही नाम से हैशटैग बना रखा है तो आप लोगों ने भी वही चौपड़ दिया वहां पर, वही बना दिया, तो आप लोग सोचते हो कि उनके नीचे माई वीडियो आएगी। नहीं, थोड़ा यूनिक बनाओ, क्योंकि क्या होगा तभी तो इंस्टाग्राम को पता लगेगा ना कि भाई आप लोग भी हो, आप लोगों की थोड़ी पहचान है इंस्टाग्राम रील्स पे। तो इसी के चलते थोड़ा कुछ यूनिक बताओ। और अगर आप लोग चाहते हो कि कैसे आप लोग अच्छा एक अच्छा से अच्छा हैशटैग फाइंड कर सकते हो अपने नाम से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर आपको यूनिक से यूनिक कुछ बताऊंगा मैं। तो इसी के चलते आपको थोड़ा अलग सा यूनिक हैशटैग बनाना होगा, तभी आप लोगों की यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब टिप नंबर 3, जो कि लास्ट टिप है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो यार अब आप लोगों ने समझ लिया कंटेंट अच्छा बनाना है, हैशटैग अलग डालना है, हैशटैग अलग डालने से क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग ऐसे डालो जिसमें लोग आपके साथ बैठे हैं, मतलब कि बोल सकते हैं अभी हमको पता है कि भाई 5 बजे से 7 बजे तक न्यूज़ आती है, तो जो लोग इस पर फॉलो करते हैं ना तो वहाँ पर वो 5 बजे से 7 बजे तक न्यूज़ देखते हैं। और इसी के चलते आप लोग भी टाइम डिसाइड करो कि आप लोगों की ऑडियंस कब कब इंस्टाग्राम पर एक्टिव होती है, कब कब वो आपकी रील्स को देखना पसंद करेगी। तो 6 बजे से 10 बजे के बीच आप लोगों को इंस्टाग्राम रील्स को अपलोड करना होगा, जिससे आपकी जितनी भी रील्स जानी होगी ना वो चल जाएगी और इससे आपके थोड़े बहुत चांसेस हो जाते हैं इंस्टाग्राम रील्स को वायरल कराने के। और आप लोगों को बता दूं 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करो, आपको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इन 3 टिप्स के अंदर, तीनों टिप्स को फॉलो करो, रिजल्ट शो होने शुरू हो जाएंगे आपको। और इन स्टेप्स को आप लोग जरूर से फॉलो करो, तभी आप लोगों को रील्स वायरल होने के चांसेस बढ़ते हैं और आगे चल के आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को हमेशा की तरह एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरी ऐसी वीडियोस को मिस ना कर पाएं और मैं आपको ऐसा ही जनरल कॉन्टेंट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। समझ रहे हो? तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।